जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में 23 मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 23 मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है, जिसमें मेले की तैयारियों पर चर्चा की गई है। सेवायोजन कार्यालय से सूचना विभाग के माध्यम से रोजगार मेले का प्रचार प्रसार हो, जिससे कि अधिक से अधिक युवाओं को जॉब मिल सके। सभी उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है, उनको अपने कार्य के लिए जितने भी युवाओं की आवश्यकता है उसका लिस्ट बन जाए, जिसका निर्देश दिया गया है। इसके साथ जो भी लोग कौशल विकास मिशन से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क करना व उच्च शिक्षा में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वह लोग भी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, रोजगार देने के लिए बाहर से कंपनियों को बुलाया जा रहा है व जिले व स्तर की सभी कंपनियां इस मेले में प्रतिभाग करेंगी और उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को रोजगार मिलेगा। लगभग 1000 छात्रों को रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मेरा सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि रोजगार मेले में भाग जरूर लें। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहरलाल कसौधन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे सर के यहाँ, और इम्प्लॉय भी सर ने, हम लोगों ने काफी मेहनत की थी पिछली बार भी, इस पहले भी हम लोग करते रहे संयुक्त रूप से, कौशल विकास के भी सर DC है, तो काफी अच्छा। गोरखपुर का CM सत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो एक अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, प्रदेश स्तर से बहुत ज्यादा एक बोझ होता है, एक तरह से बहुत उम्मीदें होती है कि हाँ अच्छा, तो हम लोग घर बार भी काफी अच्छे से उसको, काफी आप लोगों के सहयोग से काफी अच्छे से करते रहे हैं, और ये मेला भी अब तक इसको काफी अच्छा चल रहा है जो तैयारियाँ है, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से एक सफल मेला हम लोग और करा पाए, एक अब तक इतने होते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे ज्ञात सर हैं अभी आज शायद व्यस्त हैं, उनके सिंह साहब हैं, तो अब हम लोग एक प्रचार प्रसार में सीधे जाप सीकर तक पहुंचने का हम लोगों को अभी तक, जैसे हम लोग करते थे सोशल मीडिया के होता था, मैसेज हम SMS करते थे, फोन करते थे, और सर की मैम ICSI वर्क कर रही है उसको भी हम लोग देते थे, हमारे मिश्रा जी हैं सूचना अधिकारी काफी हेल्प कर रहे सभी उद्योग संपर्क वहाँ 400-500 यूनिट सबको चाहिए, एक PWD और जितने भी काटे संस्था उन सब 6,500 करोड़ के परियोजना चल रही है। ईडा में गारमेंट पार्क आ रहा है, IT पार्क आ रहा है, प्लास्टिक सिटी आ रही है, पैटेंट फैक्ट्री आ रही है, स्टेट इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट आ रहा है, बहुत सारी इकाइयाँ आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, प्लास्टिक सिटी और ये सब तो बाद में आएगा पैटेंट फैक्ट्री, तो उसके लिए लोग चाहिए, टेक्नीशियन, प्लम्बर, फिटर, फर्टिलाइजर, वो लोग नया कोर्स भी चलाएँ, इन सबसे संपर्क कर लीजिए। और बाकी बाहर से कितने लोग आ रहे हैं सर? 20 कंपनियों ने सर किया है, 2000 हो गया सर, कुछ लोग नहीं बाहर। आपके लड़के कहाँ से आएंगे? यही है चली रहा है अब तो हमारी, मैं तो गीता का भी गीता में भी है, और व्यापार कल्याण बोर्ड का मैं जानता हूँ आपको, ये दो तीन चीज़ें करना है नोट कर, एक तो हर एक आपके 55 सेंटर चल रहे हैं और ये जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर, प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर, मुझे एक हफ्ता के भीतर प्लेसमेंट प्लान देंगे, यानी उन्होंने किस कंपनी का टाइप किया, अगर वेल्डिंग का कोर्स है तो वेल्डर की कहाँ कहाँ भेजेंगे, लोकल होंगे या बाहर होंगे, कायदे से प्लान किया तो 25,000 रोजगार तो हर साल यहीं कर देंगे, किसी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ये सभी इंडस्ट्री वाले जो 400-500 यूनिट है सबसे संपर्क होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप भी ले लें और रोजगार के लिए भी ले लें, ठीक है?
सर बच्चों की कमी एक साइड पर ऐसे तो नहीं सर कोई मैं आपसे से नहीं बोल रही कि अगर उसमें हमने हर एक टाइप में सपोज गारमेंट सेक्टर में है तो हमें किस क्वालिफिकेशन के बच्चे चाहिए और कितनी उनकी सैलरी होगी क्या है अगर वो एक एक सेक्टर वाइज हमें वो चीज मिल रहा है वो अगर साइड पे डालेंगे तो जब आप इंडस्ट्री वालों से बात करेंगे जीएमडीआईसी की तरफ से कौन आया सर आप क्या है सर एएम है सर इसको। आज 23 मई को जो बृहद रोजगार मेला हो रहा है उसकी तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें मेले के लिए अवस्थापनाएं जो हो रही हैं उसके सभी और सेवायोजन कार्यालय से सूचना विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार हो सभी उद्यमियों से संपर्क हो उनको जितने भी विभिन्न क्रियाकल्प होंगे उनको कौशल विकास के छात्र छात्राएँ चाहिए अभ्यर्थी चाहिए उसके लिए लिस्ट बन जाए ये हम लोगों ने निर्देशित किया है और साथ ही साथ जो जितने भी लोग हमारे कौशल विकास मिशन से जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क कराना जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारे बच्चे पंजीकृत हैं वो लोग भी जो प्लेसमेंट सेल के माध्यम से संपर्क करके यहाँ प्रतिभाग कर सकते हैं बाहर से भी काफ़ी कंपनियों को हम बुला रहे हैं हमारे स्थानीय स्तर के जितने भी बड़ी इकाइयाँ छोटी इकाइयाँ सब जिनको भी रोज़गार के लिए अभ्यर्थी चाहिए तो वो इस मेले में प्रतिभाग करेंगे और आपस में सम्मेलन होगा और सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रतिभा वाले हमारे छात्रों को रोज़गार मिलेगा स्थानीय स्तर के सभी 400 से ज़्यादा इकाइयां जो हैं उन सबसे हम अनुरोध करेंगे बाहर से भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को प्रतिभा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी हम इस बार कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने के लिए टारगेट कर रहे हैं और अगर सभी प्रयास सफल रहें तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी सर कुछ अपील करना चाहेंगे छात्रों से मैं सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से इस रोज़गार मेले को नियमित रूप से सफल बनाने के लिए अनुरोध करूंगा प्रतिभाग करने के लिए अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि आपने जो सपने देखे हैं उसको पहला पड़ाव है कि आपकी पहली नौकरी उसमें अच्छे प्रतिभाग करेंगे अपना मत स्थिर करेंगे रोजगार प्राप्त करके उसमें अपना हुनर बढ़ाएंगे हुनर प्राप्त करने के बाद आगे और आप बढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे और उसके बाद अन्य क्रियाकल्पों में स्वरोजगार में और उद्यमिता के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं कृपया बढ़ चढ़ के प्रतिभा करें और उद्यमियों को से भी अनुरोध करूंगा हमारे शासन की नीति के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप पॉलिसी के तहत सब्सिडी मिलती है रोजगार सृजन के लिए सब्सिडी मिलती है इन सब में आच्छादन के लिए इस मेलों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभा करें।